हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, जहां पे हम कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स देखेंगे कि अगर वो ट्रांजेक्शन करी, वो ट्रांजेक्शन अगर हुई तो वहां पे हमारे को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत ही हैवी कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके, ठीक है ना। कुछ ऐसी कैश की ट्रांजेक्शन की जो है आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और ध्यान में रखना है कि वो ट्रांजेक्शन कभी भी हमने भी नहीं करनी ना हमारा कोई क्लाइंट कर सके, तो हमें हम उसको एडवाइस भी करना है कि ये सारी ट्रांजेक्शन प्लीज़ ना करें, ठीक है ना। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन लोगों को शेयर करना जिनका आप चाहते हैं कि इस तरीके का कभी भी नुकसान ना हो, ठीक है ना। तो अदरवाइज वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो गई तो उसके बाद जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, उस ट्रांजेक्शन्स को वन बाय वन लेके चलते हैं, ठीक है ना, और वो ट्रांजेक्शन्स देखते हैं कि भैया इन ट्रांजेक्शन से क्या क्या हो सकता है। तो चलो जी, अब पहली ट्रांजेक्शन अगर हम देखें, अब हम बहुत बार ऐसा होता है कि लोन्स में डील करते हैं, ठीक है ना, लोन लिया लोन दिया नॉर्मली चलता रहता है, किसी ने फ्रेंड ने लोन दे दिया भाई, तो ऐसे केस में हमारे को ध्यान में रखना है, ठीक है, लोन देने लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या मोड होगा, किस तरीके से लोन देना है, उन चीज़ों का ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम इसकी हेडिंग देंगे कि ऐसी कैश ट्रांजेक्शंस विच अट्रैक्ट ह्यूज पेनल्टीज, ठीक है ना। ऐसी ट्रांजेक्शन हम बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। पहली ट्रांजेक्शन हमारी रहेगी कौन सी, लोन की। अब हमने लोन या फिर हम कहें डिपॉजिट्स, ठीक है, लोन डिपॉजिट जो है हमने ले लिए, ठीक है, वी लोन डिपॉजिट रिसीप्ट। तो यहाँ पे हमारे को ध्यान में रखना है कि हमें कभी भी लोन या डिपॉजिट जो है उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या रहेगी, हमारे पास मैक्स टू मैक्स जो है लिमिट रहेगी उसमें 20,000 की। इससे ऊपर का, 20,000 से ऊपर का जो है लोन जो है हमारे को लेना जो है अलाउड नहीं है, कैश में लेना अलाउड नहीं है। यहाँ पे जो अभी हम बात कर रहे हैं कैश ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है कि आप जो है बैंकिंग के थ्रू करिए, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा कि आप लोन में लोन लेना देना, कोई कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन मोड का ध्यान में रखना है, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगी। अगर क्या अगर इससे ज़्यादा की पेमेंट करी तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, और दिक्कत क्या है इसमें भैया, इसमें आपको पेनल्टी लग सकती है। मैं पेनल्टी कितनी है इसमें, आपको पेनल्टी लग सकती है कितनी, 100 टाइम्स 100 टाइम्स 100, मतलब जितना आपने लोन दिया, मान लो किसी को 2 लाख का लोन दे दिया, भैया 2 लाख की पेनल्टी लग सकती है, तो ध्यान में रखना ऐसा नहीं करना। इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे आप बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो कैश, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ एग्रीकल्चर्स वगैरह के लिए वो जो है एग्जम्पशंस दी गई हैं, लेकिन नॉर्मल कहें तो हमारे को 20,000 से ऊपर जो है ध्यान में रखना है कि हमारे को लोन की ट्रांजेक्शंस नहीं होनी चाहिए। सेकेंड में मूव करते हैं, सेकेंड इसका जस्ट अपोजिट, जो अभी हमने बात करी लोन डिपॉजिट का, वैसे ही लोन और डिपॉजिट हमने दे दिया, वापस भी तो लेंगे, अगर हम वापस ले रहे हैं तो वहां पे भी अपने को दिक्कत आ सकती है, तो वहां पे हमें ध्यान रीपे, ठीक है ना, वापस भी नहीं लेना, ना ही देना है कैश में 20,000 से ऊपर, ना ही वहां पे जो है हमारे को वापस लेते हुए जो है ध्यान में रखना है कि वापस भी, ऐसा नहीं है कि मान लो पे कर दिया 40,000 रुपये हमने चेक के थ्रू जो है पे कर दिया, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, वो फ्रेंड कह रहा है कि भैया आपको वापस देना है यार, मेरे पास बैंक में नहीं है तो जो कैश दे दूं, तूने कहा ठीक है 40,000 कैश दे दे, नहीं भैया ध्यान में रखना है देना भी नहीं है लेना भी नहीं है, तो दोनों के केस में वही रहेगा, पेनल्टी लग सकती है आपको, मैक्सिमम पेनल्टी जो हमारी पेनल्टी रहेगी, पेनल्टी कितनी है 100%, 100% पेनल्टी लग सकती है, इसमें भी वही एक्सेप्शन है, लेकिन ध्यान में रखना है कि ऐसी ट्रांजेक्शन अपने को नहीं करनी, हमेशा अवॉइड करनी है इस तरीके की ट्रांजेक्शंस, ठीक है जी। तीसरी ट्रांजेक्शंस, तीसरे में आते हैं, तो ऐसे में और क्या होता है, ऐसे में हमारे को ध्यान में रखना है कैश, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे को ध्यान में रखना है हमारे को कैश रिसीट, हमारी जो कैश रिसीट है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2 लाख रुपए हो सकती है। आपने बहुत बार देखा होगा जैसे कहीं भी गाड़ी लेने जाते हैं कोई, तो वहां पे वो कितना मैक्सिमम ले सकते हैं आपसे कैश, 2 लाख रुपए वो कैश कहते हैं ना, उस 2 लाख से ऊपर वो कैश नहीं लेंगे आपसे। आप ज्वेलरी लेने जाओगे वो कहेंगे भैया मैक्स टू मैक्स कितना, 2 लाख रुपए जो है कैश ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि एज अ रेसिपियंट देखें तो मैक्सिमम लिमिट क्या है कि रिसीव करने की जो है मैक्सिमम कितनी है, 2 लाख रुपए की रिसीट है, तो हमारे को ध्यान में रखना है, तो इस तरीके की ट्रांजेक्शन भी अपने को नहीं करनी, कैश रिसीव जो है 2 लाख रुपए से ऊपर का अपने को नहीं होना चाहिए।
अगली ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, अगली ट्रांजेक्शन कहें पेमेंट की, कैश के पेमेंट की, कैश के पेमेंट की, कैश पेमेंट आप बिजनेस कर रहे हैं, कैश पेमेंट मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम पेमेंट हो सकती है कितनी, मैक्सिमम पेमेंट हो सकती है 10,000 रुपये की, 10,000 पर डे, ठीक है ना, पर डे। यहाँ पे आपका कोई एक्सपेंस है, रिकरिंग एक्सपेंस है, तो ध्यान में रखना है कि अपने को 10,000 से ऊपर की पेमेंट ना हो, ठीक है ना, 10,000 से ऊपर की पेमेंट जो है हम पर डे नहीं कर सकते किसी खर्चे की, ठीक है। हमारे को उसके लिए, उसके अलावा और तो मोड सही है, आप ऑनलाइन कीजिए कुछ भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर खर्चा पर एक्सपेंस जो है यहाँ पे हमारा जो है 10,000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए, राइट। इस तरीके के हैं। अब एक होता है क्या है, कई लोग प्रोविजन बना लेते हैं, कई लोग प्रोविजन बना लिया कि भैया वो जो खर्चा था ना वो फाइनेंशियल ईयर, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फाइनेंशियल ईयर हम कहेंगे 23-24 हमारा जो है 23-24 हमारा मार्च में ख़त्म हो गया 31 मार्च 2024 को। अब हमने यहाँ पे प्रोविजन बना लिया, हमने यहाँ पे प्रोविजन बना लिया, प्रोविजन बना लिया, प्रोविजन ऑफ एक्सपेंस, एक प्रोविजन बना लिया 15,000 रुपये का, ठीक है ना। और हमने अपने यहाँ पे बैलेंस शीट में भी डाल दिया और हमने अपना एज अ एक्सपेंस भी यहाँ पे क्लेम कर लिया, हमने एज अ पीएनएल में, पीएनएल में एज अ एक्सपेंस यहाँ पे हमने उसको डेबिट कर दिया 15,000 रुपये का, ठीक है। अब ये पे तो नहीं हुआ, ये तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, हमने खर्चा जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुक कर लिया, हमने यहाँ पे इसको क्लेम कर लिया और हमने अपना नेट प्रॉफिट जो है वो 15,000 रुपये से कम कर लिया, ठीक है ना, गवर्नमेंट को टैक्स कम मिला होगा, कोई दिक्कत। अब हमने क्लेम कर लिया, अब हम नेक्स्ट ईयर में आते हैं, नेक्स्ट ईयर में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 हमारा जो चल रहा है, अब हमने ये खर्चा पे भी करना है, क्लेम तो हमने कर लिया, क्लेम कब कर लिया हमने, क्लेम कर लिया हमने फाइनेंशियल ईयर, कौन से फाइनेंशियल ईयर में, हमने 23-24 में क्लेम कर लिया। अब हमने फाइनेंशियल ईयर 24-25 इस वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या किया है, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने इसको पे किया है। अब हमने जब पे किया तो भी हमें को ध्यान में रखना है, जब हमने इसकी पेमेंट करी तो भी उसकी जो पेमेंट है वो 10,000 से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, वो मतलब 10,000 से ऊपर की कैश में नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो ये 15,000 रुपये आपने ये कैश में पे कर दिया तो क्या होगा, आपने पिछले साल तो उसकी डिडक्शन ले ली, पिछले साल यहाँ पे डिडक्शन ले ली ना 23-24 के अंदर डिडक्शन ले ली, लेकिन अब क्या होगा ये 24-25 के अंदर जो है ये क्या होगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या है जो लास्ट ईयर डिडक्शन क्लेम करी थी ना भैया, यहाँ पे आपने कैश में पे कर दिया और कैश में पे करते ही क्या हो गया है? वो जो है वो क्या हो गया, वो टैक्सेबल हो गया। तो इसलिए ध्यान में रखना है, अगर प्रोविजन कोई कोई बनाए तो उसका उस केस में भी अपने को ध्यान में रखना है कि हमारे को जो है मैक्सिमम हमारी जो लिमिट है उससे ऊपर नहीं करना, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सिक्स्थ वाले में, सिक्स्थ वाले में क्या है, हमने बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, हमने कोई मशीनरी वगैरह प्रिक्योर करी, तो हमने कोई फिक्स एसेट प्रिक्योर करी, फिक्स एसेट ली, तो हमारे को ध्यान में रखना है फिक्स एसेट के लिए भी क्या क्या लिमिट है, मैक्सिमम मैक्सिमम क्या लिमिट है, 10,000 रुपये की। अब आप कहोगे भैया फिक्स एसेट का तो वो तो बैलेंस शीट पे जाएगा, पीएनएल में तो है नहीं, लेकिन ध्यान रहे हम तो एज अ डेप्रिसिएशन तो क्लेम करते हैं ना, एज अ डेप्रिसिएशन तो हम क्लेम करते हैं ना, इसको यहाँ पे बैलेंस शीट में डाल देते हैं, बिल्कुल सही बात है, फिक्स एज अ फिक्स एसेट डालते हैं, लेकिन जब हम पीएनएल में एज अ डेप्रिसिएशन इसको क्लेम करते रहते हैं ना, एज अ डेप्रिसिएशन इसको क्लेम करते रहते हैं, तो आप अगर इसकी जो है अमाउंट जो है 10,000 से ऊपर अगर हमने कैश पे कर दिया है तो हमारे को अलाउ नहीं होगा डेप्रिसिएशन इसके ऊपर क्लेम करना, ठीक है ना, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना। पहले ये लिमिट भी ज़्यादा थी, पहले ये लिमिट भी ज़्यादा थी और फिक्स एसेट के लिए अलाउड था, पहले ये जो 10,000 वाली लिमिट थी, अभी जो हमने ऊपर वाले में भी पढ़ा, ऊपर वाले में भी यहाँ पे जो लिमिट थी ये पहले 20,000 हुआ करती थी, ठीक है ना, ये 20,000 लिमिट हुआ करती थी ये वाली, और कोई यहाँ पे, और यहाँ पे उसमें क्या था, फिक्स एसेट भी कवर नहीं था, यहाँ पे फिक्स एसेट भी कवर नहीं था, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, लेकिन अब जो है फिक्स एसेट के अंदर भी हमारे को ध्यान में रखना है कि 10,000 की लिमिट है, और अगर हमने 10,000 से ऊपर कैश में पे कर दिए तो वो खर्चा जो है डिसअलाउ हो जाएगा और हमारी इनकम में जो है एडबैक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा और क्या क्या कैश ट्रांजेक्शन हमें ध्यान में रखनी है भैया, अगर आप डोनेशन देते हो, अगर आप डोनेशन देते हो तो भी ध्यान में रखना है, या आप चाहे पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हो, चाहे आप ट्रस्ट वगैरह को डोनेशन दे रहे हो, तो मैक्सिमम लिमिट आप कितना है, मैक्सिमम लिमिट आप 2,000 तक का जो है कैश में डोनेशन जो है दे सकते हो, 2,000 से ऊपर का जो है डोनेशन जो है अगर आपने कैश में दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो डिस अलाउ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो डिस अलाउ हो जाएगा, और डिस अलाउ होते ही क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्स लग जाएगा भाऊ जी,
ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा क्या है, हाँ एक पॉइंट और, आठ कैश ट्रांजैक्शन वैसी बताऊंगा जो हमें ध्यान में रखनी है कभी भी, कोई आठ ट्रांजैक्शन ऐसी बताऊंगा जो ध्यान में रखनी है हमारे को, कैश मोड से नहीं करनी, और अगर कैश मोड से कर रहे हैं तो विद इन डैट लिमिट करनी है जो अभी हम बात कर रहे हैं, उससे अगर लिमिट एक्सटेंड एक्सीड हो गई तो अपने को क्या है नुकसान हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगा, वो सारी कॉन्सिक्वेंसेज पेनल्टीज भी बता दी वो भी बता दी। और क्या है एट्थ क्या है, एट्थ है अपना जो हम मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं ना, जिसकी हम डिडक्शन लेते हैं अंडर सेक्शन 80D, तो उसमें भी ध्यान में रखना है कि भैया ये जो 80D का प्रीमियम पे किया है हम डिडक्शन लेते हैं ना, उसमें 25,000 तक की डिडक्शन लेते हैं, और अगर सीनियर सिटीजन के केस में कितनी 50,000 तक की डिडक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपने को ध्यान में रखना है कि इसका मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए, इसका मोड ऑफ पेमेंट अदर देन कैश होना चाहिए। अगर कैश से हुआ, अगर कैश से हुआ तो ये खर्चा जो है डिसअलाउ हो जाएगा, अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ये आठ ऐसे मुद्दे हैं जो आज की वीडियो में हमने बात करे, जिसका अपने को ध्यान में रखना है कि ये ट्रांजैक्शन जब भी हम कर रहे हैं अपने को ध्यान में रखना है। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ ताकि कोई नहीं छूटे। लोन का था, लोन लेना और देना दोनों के, ठीक है, दोनों के लिमिट सेम है 20,000 रुपये। इसके अलावा कैश मैक्सिमम कितना रिसीव कर सकते हैं, मैक्सिमम कैश 2 लाख का रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद क्या था, उसके बाद लिमिट आ रही थी आपकी कैश पेमेंट की, ठीक है, पर एक्सपेंस आप जो है 10,000 की पर डे की लिमिट है यहाँ पे, तो ध्यान में रखना है। इसके बाद हमने क्या बात करी यहाँ पे फिक्स एसेट की, फिक्स एसेट की कितनी लिमिट है 10,000 रुपये की लिमिट है, कैश में पे कर रहे हैं तो 10,000 से ऊपर नहीं करना। डोनेशन के केस में क्या है, डोनेशन चाहे आप पॉलिटिकल को कर रहे हो चाहे आप ट्रस्ट को कर रहे हो, 2,000 तो मैक्सिमम जो है आप कर सकते हो, अदरवाइज क्या होगा डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद क्या था मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की, तो इसको तो हमें कैश में पे करना ही नहीं है, अगर हमने कैश में पे किया कितना भी, इसमें कोई लिमिट वाली बात नहीं, अगर कैश में पे किया तो डिसअलाउ, अगर तो फिर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको अदर देन कैश में ही पे करके चलना है ताकि हम जो है डिडक्शन क्लेम कर सके, राइट। तो ये थी एक ऐसी कैश ट्रांजैक्शन जिसका ध्यान में रखना है, अदरवाइज देखो कॉन्सिक्वेंसेस भी हमने साथ साथ बता दिए, नुकसान हो सकता है, इसलिए आप पहले ही अवेयर हो जाइए कि ऐसी का ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले ही ध्यान में रखना है ताकि जो है इसका सामना ना करना पड़े, राइट। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।